तो हम निकल रहे हैं आज अपने हनीमून के लिए, हमारी फर्स्ट ट्रिप आफ्टर मैरिज। मयंक ने मुझे विंडो सीट दे दी है। मयंक के पैर नहीं आ रहे हैं और बेचारा मिडल सीट पे वो कैसे बैठा है मुझे ही पता है। एक्चुअली ये मयंक की तरफ से सरप्राइज था। ये मासा ट्यूबर पे जाएगा या शायद इस ब्लॉग पे जाएगा, बट ब्लॉग तो बनाना है। मयंक और मेरी रात में बड़ी अच्छी वाली यू नो प्यार वाली लड़ाई रखी थी, थोड़ी सी लड़ाई रखी थी, इसलिए ब्लॉग स्टार्ट लेट कर रही हूँ। ब्रेकआउट सब देख सकते हो, ये जाने का नाम नहीं ले रहे, बहुत धूप हो रही है। ओके तो हम निकल रहे हैं आज अपने हनीमून के लिए। सो हम लोग गोवा निकल रहे हैं। मैंने सोचा एक ब्लॉग बना लूँ, लाइक जाने तक का तो ब्लॉग बना ही लूँ, जितना शूट कर पाऊँगी उतना। हमारी है फ़्लाइट 4 बजे की, 3:55 के 4 बजे की, और अभी 12:30 बजे, आधा घंटा हमारे पास है। रेडी हो चुकी हूँ मैं, बिल्कुल रेडी हूँ निकलने के लिए। स्लीपर्स नहीं डाले हैं, बस बैग पैक ऑल सेट। हमारे लगेज का वेट होना चाहिए था 15 kg, मेरा मोर देन 15 पहुँच गया। मैं ये वाला ले जा रहा है और मैं ये वाला ले जा रही हूँ, और बड़ी वाली जो दीदी हैं वो भी अपने ससुराल निकल रही हैं। पूरा घर खाली हो जाएगा। ओ कमाक्षी अकेली हो जाएगी। सो ऑल सेट, पहले कौन निकलेगा? हम निकलेंगे। तो मैं तो रेडी हूँ, बस सनस्क्रीन लगाइए अभी। मैं कभी रेडी नहीं हुआ एंड आई एम रेडी। मैं हमेशा एक्स्ट्रा कपड़े, मेरा बैग इसलिए भारी होता है, उसमें स्किन केयर अलग है, ज्वेलरी अलग है, मेकअप अलग है, एंड और भी है एक चीज, तो इसलिए भारी हो गया। इतनी स्वीट है मेरी सासू ना, मेरे को इनो, उनको पता है मुझे गैस में प्रॉब्लम हो जाता है, इनो ओमनी और मैं की टैबलेट दी है अभी अभी पैक करने के लिए, जो मैं अपने वाले के साथ रख रही हूँ। मैं कहाँ रखी अपनी दवाइयाँ। ओके सो ऑल सेट, सब कुछ पैक्ड है। मैं बहुत गुस्सा हो रहा है, पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ रहा है उसको, पर हम तो अब निकल रहे हैं। हमारे टाइम हो चुका है, मैं पता नहीं वॉच रखे नहीं रखे, मैं का चश्मा रखवा देती हूँ, भूल जाएगा ना तो और गुस्सा करने लगेगा, गुस्सा बहुत होता है लड़का। ठीक है 1 बज गए, 3 घंटे हैं हमारे पास। ओके गाइस निकलते हैं, मिलते हैं। आई होप ये छोटा मोटा सा ब्लॉग, अभी हम ब्लॉगिंग ज़्यादा नहीं कर पाए बिकॉज हम अपने ट्रिप पे तवज्जो देना चाहते हैं। चल। दीदी भी रेडी हो रही है, जीजू रेडी होके वेट कर रहे हैं। ले लू अक्षय टिकट का अक्षय। तो फिलहाल हम निकल गए हैं हमारी ट्रिप के लिए, हमारी फर्स्ट ट्रिप आफ्टर मैरिज, यू कैन ऑल्सो से हनीमून। कैन बी यस। तो फ्लाइट है हमारी 4 बजे की और अभी बज रहे हैं 12:30। हमने अभी कैब बुक की है, 1:15 हो रहे हैं और 2 बजे हमारा मतलब हमें अंदर जाना है और अभी हमने कैब बुक की है। हम दोनों आराम से पीछे बैठे हैं, कैब अक्षय कैब वाला है और साथ में उसका लगेज रखा हुआ है। एक्चुअली हमें अक्षय ड्रॉप कर रहा है, एयरपोर्ट हमें अक्षय ड्रॉप कर रहा है आगे, और हम दोनों पीछे बैठे आराम से। उसके साथ में एक बहुत भारी बैग रख दिया था हमने फ्रंट सीट पे, तो इसलिए हम आगे नहीं बैठे। हम पूरी कैब की फील ले रहे हैं, ओला की, ओला कैब। ओला ड्राइवर ने पूरा एकदम कोरोना की वजह से आगे ट्रांसपेरेंट शीट लगा रखी है, हम आगे नहीं जा सकते। अक्षय ने ब्लू ड्रेस भी पहन रखी है। और यस मैम यस सर कह रहे हैं, कह रहा मैम एंड होने के बाद हमें रेटिंग दे दीजिए 5 की। 5 का मास्क ऊपर करना। ये चलान काटते हुए जबरदस्ती
फ्लाइट से पहले हमें कुछ खाना था तो मेरे को मैकडी में मैक पफ खाना था बट यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। मैक वेजी एंड आइस टी। मैं इनको इतने पसीने आते हैं, मुझे ठंड लगती है मैं इनको पसीने आते हैं। तो हमारा सब कुछ हो गया, चेक इन बोर्डिंग वगैरह। गर्मी थी हाँ, वहाँ से हीट निकल रही होगी ना। 15 मिनट्स में हम लोग निकल जाएंगे। पापा ने मैक वेजी खा रही है। अच्छा पापा का दिखा मैक वेजी, इसलिए वो मैक वेजी पसंद है यार, और फ्राइज पसंद है। भाग रहे हैं, मैं के पैर बड़े बड़े हैं, वो चला गया, मैं पीछे रह गई। क्या बोला क्या बोला? चलो क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं बोल रहा। मैं ऐसा क्यों आपको ये क्यों बना रहे हैं? बीच वाले को खाली क्यों ऐसा क्यों? आ जा हीरो, आपकी फर्स्ट ट्रिप मेरे साथ। इरिटेटिंग है यार ये चीज। अच्छा। चाहे तो नहीं मैं बहुत इरिटेटिंग हूँ। मैं लंबा डॉक्टर लग रहा है। देखो फाइनली सांस नहीं आ रही मुझे, इतना भगाया इस लड़के ने, इतना भगाया मुझे इस लड़के ने, सांस नहीं आ रही। मयंक ने मुझे विंडो सीट दे दी। ये लड़कियों को विंडो सीट देने से सारा आदमी ये पहन रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट गाइस, दिस इज माय फर्स्ट ट्रिप इन फ्लाइट, क्योंकि अभी मेरे को ऐसे ट्रैवल का मौका नहीं मिला। जब भी मिला गाड़ी से गई हूँ, ट्रेन से गई हूँ और बस से भी गई हूँ। सो मैं विंडो सीट का एक्सपीरियंस लेना चाहती थी, एंड दैट्स कॉल्ड माय ट्रू लव, जो उसने मुझे बैठने दिया। हम आ गए हैं। ओके
पहुंचने वाले हैं, मतलब पहुंच चुके हैं, बस लैंडिंग लैंड करना बाकी है। उसके विंग्स खुलने वाले हैं, देखना विंग्स। उसके विंग्स खुलने वाले हैं, विंग्स के ऊपर एक फ्लैप होता है, वो खुलता है, ब्रेक काइंड ऑफ ब्रेक है विंड रेडियस करने के लिए। मैं एकदम मुझे पूरा टाइम एंजॉय किया है कि मैं बाहर का नज़ारा एंजॉय कर रही थी। मैंने सिर्फ फैक वन जगह और ये मैडम सो गई, इसने विंडो सीट की अच्छे से की, एंजॉय किया और सो गई है। मतलब सोते टाइम भी मुझे विंडो सीट नहीं दी इस लड़की ने बिल्कुल भी। देख लो कितना कॉम्प्रोमाइज़ है, और देखो चश्मा पहनने का और मास्क पहनने का नतीजा। सो 100 के की खुशी में तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, अनएक्सपेक्टेड। अगर मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाल दी होती तो हम अपना 100 के, एक्चुअली मेरे कंटेंट सारे मिक्स हो रखे थे तो मैंने कुछ भी नहीं डाला। और इनकी बीवी ने सारी मदद की, हम अपनी फैमिली के साथ करके आते, सेलिब्रेट करके आते, क्योंकि 100 के होना बहुत बड़ी बात है। तो हम अभी अब अकेले सेलिब्रेट करेंगे, हम घर पे जाके घर वालों को बाद में पार्टी देंगे 110%। मैं देगा मैं नहीं, तो अब सिल्वर प्ले बटन आएगा। अच्छा, तो हमें अभी अपनी मेमोरीज याद आ गई। मैं 2013 में आई थी फर्स्ट टाइम अपने कॉलेज ट्रिप में गोवा, एंड मयंक 3 साल पहले अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं तो भाई ट्रेन से आई थी। देखो मयंक का कोई फ्रेंड है जो जो हमें हेल्प करने वाला है यहाँ पे, क्योंकि हमारा होटल यहाँ से काफ़ी दूर है ना। अभी बहुत टाइम लगेगा यार, शिट। हम जहाँ आते हैं वहाँ कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कांड हो रखे होते हैं। कांड मतलब हम यहाँ आए और हमें पता चला साउथ और नॉर्थ टैक्सी वालों में कुछ हुआ है, जो जिसकी वजह से टैक्सीज अवेलेबल नहीं है, सिर्फ प्रीपेड टैक्सी जिसकी पेमेंट पहले हो रही है गवर्नमेंट वाली, वही अवेलेबल है। तो हमें भी वही करनी पड़ी। आउच, नहीं गिरने से बची हूँ बस। हो गया, चलो मिल गया। और हमारा भी दूर भी है होटल। आप पीछे सामान रखो, पीछे बैठो। मैं पीछे बैठ, उधर से बैठो भैया, पीछे मेरे पीछे आ नहीं पाओ, उधर से आओ। आ जाऊंगी ना पापा, उधर बैठो। हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, हमारा होटल है 1 घंटा 10 मिनट दूरी पे है, 47 किलोमीटर। तो हमें 1 घंटा 10 मिनट और सुकून से बैठना पड़ेगा। एक्चुअली ये मायंग
अच्छी तरह से सरप्राइज था, मुझे नहीं पता था हम कहाँ पे जा रहे हैं। मैंने एकदम कालंगूट कालंगूट के बिल्कुल सामने लिया है ये रिजॉर्ट। लुक एट दिस, नॉट बैड, मेरे चूड़े से मैच हो रहा है। व्हाट इज दिस? कोकम जूस। ओके जूस, एक्चुअली मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ गाइस, तो मुझे इसलिए पूछना पड़ता है। मैं कुछ भी नहीं पीती पाती। वेलकम, अच्छा है, आई लाइक इट। मयंक को ये जूस इतना पसंद था, लास्ट टाइम मयंक अकेले आया था तो ऐसे पैक करके। किसने? सुनील ने। अच्छा तो इस बार हम अपने घर के लिए लेके जाएंगे। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है यहाँ के, व्यू भी बहुत ही सुंदर है। तो ऑलमोस्ट हमारा व्लॉग एंड होने वाला है, शादी के बाद हमारा पहला ट्रिप है। 10 दिन हो गए। और ट्रिप, अच्छा घूमना पसंद है, घुमा देना, ऐसे पति होने चाहिए जो घुमाते रहे और हम घूमते रहे। घूमने के लिए तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ, पर मैं काम भी करना चाहती हूँ, पहले से प्रिपेयर करके चलती हूँ काम। वाओ, बहुत ही सुंदर लग रहा है मैं के तो। दिस इज सो ब्यूटीफुल। गंगा ना करा है। मैं बड़ा खुश हो गई देख के। ब्यूटीफुल। फ्रेश हो गई मैं और अब डिनर के लिए हम लोग निकले हैं। फोन से शूट कर रही हूँ गाइस, क्योंकि कैमरे की बैटरी डाउन है। हम डिनर कर लें, हमारा डिनर यहीं पर ही है, फिर निकलेंगे। दाल तड़का, राइस एंड पनीर, दो प्याजा, चारा। मयंक नॉनवेज नहीं मिला? मिला ना हीरा। नॉनवेज है यहाँ पे? हाँ, ये फिश मेरी है और ये बटर चिकन मेरा, पनीर और मखानी आपकी है। ये देखो हमारे कमरे पे एक मेहमान आया है, ये फूड कोर्ट से हमारे पीछे। गाइस खाना इतना टेस्टी था, मैं आपको बता नहीं सकती। नहीं चल रहे हैं तो अभी हम जा रहे हैं रात के 11 बजे, 11:15 हो रहे हैं, 11 भी नहीं होते एग्जैक्टली, बीच निकल रहे हैं और मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट व्लॉग एंड करने वाली हूँ। तो थोड़ा सा घूम ले, क्योंकि वैसे भी हम शाम को ही आए हैं, तो हाँ अपनी रात क्यों खराब करें घूम के, मतलब घूमने से हम क्यों पीछे हटे। तो निकल रहे हैं, पावर बैंक चलो ठीक है साथ में लेके चल रहे हैं। पावर बैंक से चार्ज हो रहा है मेरा फोन। अभी यहाँ पे जो पटाखे फूट रहे थे, पुलिस वाले आ गए। अलाउड नहीं है क्योंकि 2 दिन बाद गोवा में इलेक्शन है। एंड चलान कटा कटा कटा, बोल के तो गए, वार्निंग दे के तो गए। मयंक इज बिजी इन हिज फोन एंड वी आर एंजॉयिंग यहाँ का व्यू। मैंने मोहितो ऑर्डर की है क्योंकि आई लव मोहितो। बहुत सुंदर है यहाँ का व्यू, बहुत ही सुंदर है क्योंकि अभी सारी न्यू मैरिड कपल्स आ रहे हैं, न्यू मैरिड। रोमांटिक जितनी पूरी थीम रोमांटिक है, एकदम 4 किलोमीटर तक तो बहुत ही रोमांटिक थीम बनाई हुई, क्योंकि सारे न्यूली मैरिड कपल्स ही आ रहे हैं हमारी पूरी फ्लाइट पे। कितने कपल्स थे? सारे कपल्स ही थे पूरी फ्लाइट पे। सो कल हम आएंगे ना, कल हम बनवाएंगे अपने लिए रोमांटिक वाला। यहाँ हम काफी लेट है एक्चुअली, हमारे हम लोग पहुंचे होटल 9 बजे थे ना, 9:30। तो मैं यहाँ पे ये व्लॉग एंड कर रही हूँ, कल हम नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे। लाइट कल करेंगे, लाइट में लेजर लाइट ली है। देखो 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 कितनी सुंदर लग रही है। नहीं मैं के क्या था। सो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेक श्योर व्लॉग लाइक शेयर कंटिन्यू, किसी भी चैनल पर जाएगा तो देख लीजिएगा डे 1 डे 2। और हम लोग बहुत सारी आपके लिए मेमोरीज रखेंगे, आपके लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि हम लाइफ लॉन्ग देख सकते हैं। सो यार मैं सारे अच्छे मोमेंट्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि हम उसे हमेशा देख पाए। बाय गाइस, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर मैं टॉर्च दे रहा मेरे फेस।
थैंक यू इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए कि मेरे इतनी जल्दी 100 के हो गए। थैंक यू सो मच। पार्टी होगी कल मॉर्निंग में। बाय गाइस, अभी केक नहीं मिल रहा। बाय बाय।